हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से आके मैंने यहाँ के शहरों में क्या डिफरेंस देखा। मैं सबसे पहले टोरंटो लैंड किया था और उसके बाद फिर विनीपेग रहे कुछ महीने, फिर वैंकूवर एरिया में आ गए बाइकार, रजाइना, कैलगरी होते हुए तो कई शहर देख लिए मैंने। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा कि मैंने यहाँ के और वहाँ के शहरों में क्या कुछ डिफरेंस देखा। मैं इतने शहरों में घूमा तो सबसे पहला पॉइंट तो मुझे यही दिखा कि मुझे कोई भी अनप्लैंड एरिया नहीं दिखा। जैसे अपने अवैध कॉलोनीज़ वगैरह होती हैं भीड़ भाड़ की सी, वैसा कोई भी एरिया यहाँ पर मुझे नहीं दिखा। पूरे सारे शहर, गांव, सब कुछ सारे प्लैंड दिखे मुझे यहाँ पर। यहाँ भी घर खरीदना बहुत मुश्किल होता है, लोग बेघर भी बहुत हैं यहाँ पर, गरीब हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। और जो सिटी के रूल्स वगैरह हैं, लॉज वगैरह हैं, तो हर एक चीज़ की कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रखा है इन्होंने और काफ़ी पूरा ग्रिड सिस्टम में बना रखा है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी सही बढ़िया रहता है और ग्रीनरी भी अच्छी मेंटेन रहती है। आज धूप तो बहुत तेज है लेकिन ठंड उतनी ही है। वैसे यहाँ नीला आसमान दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, नीला आसमान ज़्यादा होता है तो वहाँ यूवी कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ के ज़्यादातर लोग सनग्लासेस लगा के रखते हैं जिस दिन धूप होती है उस दिन। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से पहले नोटिस लगाना पड़ता है उस लोकेशन पर, ताकि आसपास किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो अथॉरिटीज से जाके डिस्कस कर सके। यहाँ तक कि रोड पे भी कोई कंस्ट्रक्शन करती है गवर्नमेंट तो कई दिन पहले नोटिस लगा देती है कि इस गली में यहाँ पर थोड़े टाइम बाद कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। घर बनते हैं तो भी नोटिस लगता है ताकि पड़ोसी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकें। और यहाँ तक कि मैंने खेतों में भी देखा है कि कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद वहाँ पर नोटिस लगता है, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो फिर अथॉरिटी से जाके डिस्कस कर सकता है। तो यहाँ बिना अप्रूवल के वैसे ही कुछ अवैध निर्माण मैंने नहीं देखा अभी तक। दूसरी चीज़ ये कि शहर का डिज़ाइन पूरा ग्रिड सिस्टम है, उसके बाद स्ट्रीट्स और एवेन्यूज़ बना रखे हैं। जो हॉरिजॉन्टल है उनको स्ट्रीट्स का नाम दे रखा है, जो वर्टिकल है उनको एवेन्यूज़ का नाम दे रखा है, जो भी रोड और गलियां हैं, तो इससे बहुत आसान हो जाता है एड्रेस ढूंढना। और गली में एक साइड इवन नंबर होते हैं घरों के, एक साइड ओड नंबर होते हैं, तो ये पूरे इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है कोई भी एड्रेस ढूंढना यहाँ पर। जैसे ये दो गलियां क्रॉस कर रही हैं तो एक साइड 114 एवेन्यू है, दूसरी का नाम 124 स्ट्रीट है। और कोई जो सर्कुलर से रोड होते हैं उनको ये ड्राइव बोल देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पार्क ड्राइव एंड सेंटर ड्राइव। सरी में तो सारी स्ट्रीट्स और एवेन्यू के नाम नंबरों पे लिखे हुए हैं जो एक साइड से शुरू होते हैं और शहर के दूसरे साइड तक जाते जाते बढ़ते जाते हैं, तो कोई भी एड्रेस बताते हैं तो इजीली दिमाग में आ जाता है कि इस साइड से नंबर बढ़ रहे हैं तो ये यहाँ पर मिलेगा इस एवेन्यू पे, इस स्ट्रीट पे क्रॉस होता हुआ। तीसरा, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक तो शहर का प्लान इस तरीके से पूरा ग्रिड सिस्टम, उसे भी काफ़ी फास्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा रोड खुले खुले तो है ही, और यहाँ पर हर एक चौराहे पर या फिर कोई भी दो रोड मिलते हैं वहाँ पर एक रोड पे स्टॉप का साइन होगा। अगर उस चौराहे पर रेड लाइट नहीं है उस इंटरसेक्शन पर, तो वहाँ पर स्टॉप का साइन मिलता है, तो दूसरे रोड वाले निश्चिंत होकर अपनी जो स्पीड लिमिट है उस पर गाड़ी चला सकते हैं। जैसे ये इंटरसेक्शन है यहाँ पर दो गलियों का, तो यहाँ पर स्टॉप का साइन लगा हुआ है, इस साइड से आने वाले गाड़ी रोकेंगे फिर चलाएंगे, चाहे कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो दूसरे रोड पे। तो दूसरे रोड पे लोगों को ब्रेक लगाने की या देखने की भी ज़रूरत नहीं होती कि उस साइड से कोई आ तो नहीं जाएगा। जैसे ये दो बराबर लेवल की गलियाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं तो यहाँ पर फोर वे स्टॉप है, जो सबसे पहले रोकेगा आके वो सबसे पहले चलाएगा गाड़ी, और इतना ट्रैफिक है फिर भी एक प्रॉपर फ्लो में चल रहा है। इंडिया में भी वैसे कई एरियाज हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर इतने रोड साइंस वगैरह और इतनी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं देखी। स्टॉप के साइन तो मैंने रोड्स वगैरह पे गलियों में कहीं देखे नहीं आज तक, सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग पर देखने को मिल जाते हैं। और स्टॉप साइन, ये हैरानी की बात है, यहाँ पर लोग कोई देख रहा हो ना देख रहा हो फिर भी फॉलो करते हैं, चाहे बिल्कुल सुनसान रोड हो फिर भी बिल्कुल रोक के फिर चलाते हैं लोग यहाँ पर।
एक ये होता है येल्ड का साइन, इसका मतलब अगर सामने से कोई आ रहा है तो रोकना है, वरना फिर बिना रोक के चला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो शहर के भीड़ भाड़ वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर रोड के साइड में कहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, कहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, उसके साइन लगे होते हैं, उनको फॉलो ना करो तो फिर भारी भरकम चलान होता है। तो इस तरीके से भी काफ़ी बढ़िया मैनेज किया होता है, कहीं भी जाम नहीं लगता ट्रैफिक। जैसे ये है एक पार्किंग का साइन, इसमें एरो लगी हुई है, थोड़ा आगे जाके एक और ऐसा साइन मिलेगा जिसमें ओपोजिट डायरेक्शन में एरो होगी, तो इन दोनों साइंस के बीच में आप 15 मिनट के लिए गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये नो स्टॉपिंग का साइन है, इसमें भी एक एरो लगी हुई है, तो मतलब इसी साइड एक और साइन मिलेगा जिसमें ओपोजिट डायरेक्शन में एरो होगी, वहाँ और इसके बीच में गाड़ी रोकनी नहीं है। इसके अलावा एक ये होता है जो फिल्मों में हीरो हीरोइन लात मार के तोड़ देते हैं, ये असली में लात मारो तो पता चलेगा, इससे 5 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करनी होती है, इसके सामने गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। तो मैंने मेन डिफरेंस तो ये देखा कि एक तो इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने रोड साइंस ही नहीं लगा रखे, कुछ लगा रखे वो लोग फॉलो नहीं करते। यहाँ एक फ़र्क तो ये है कि यहाँ लाइसेंस देते टाइम रूल्स अच्छे से रटवा देते हैं और बाद में उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं। परसों ही मैंने देखा कि एक डबल लाइन क्रॉस नहीं करनी होती रोड के बीच में, वो क्रॉस कर दी एक बंदे ने, थोड़ी सी गाड़ी उधर चली गई, उसका चलान कर रहे थे। पांचवा पॉइंट है कि यहाँ पर एक कानून है कि गवर्नमेंट जो भी जगह डेवलप करती है या फिर कोई प्राइवेट बिजनेस कोई जगह डेवलप करता है, बिल्डिंग डेवलप करता है, तो उसे व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाना होता है। सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिजनेसेस, यहाँ तक कि बीच भी यहाँ पर व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। सारे फुटपाथ, हर एक रोड यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि व्हीलचेयर जा सके, तो बच्चों का स्ट्रोलर ले जाने में भी उस चीज़ में काफ़ी आसानी रहती है। जैसे ये सरी के स्विमिंग पूल में व्हीलचेयर के लिए अलग से जगह दे रखी है, ऐसे ही कर्ब साइड जो कट्स दे रखे होते हैं हर एक जगह, वो सिर्फ व्हीलचेयर और स्ट्रोलर्स के लिए ही नहीं, साइक्लिस्ट के लिए भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है हर एक जगह। आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये दूर से ही रोड साइन लगा देते हैं कि वही आगे कंस्ट्रक्शन है, तैयारी कर लो रोकने की या धीरे कर लो। और रोड कंस्ट्रक्शन के दोनों साइड ये ट्रैफिक कंट्रोलर्स खड़े होते हैं, इनकी जॉब बहुत बढ़िया है, इनकी सैलरी बहुत हाई होती है, क्योंकि ये एक रिस्क का काम है रोड पे खड़े होके काम करना। और ड्रेन्स में ये बैग लगा देते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, ये बाद में सफाई कर देते हैं ताकि कचरा कोई नाले में ना जाए। और जो शाम को 3-3:30 बजे छुट्टी होती है तब ये पूरा एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा करके छोड़ के जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रहती है और कुछ यहाँ के नागरिक भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं अपने सारी ड्यूटीज। वीडियो को करते हैं यहीं एंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस हम बनाते रहेंगे। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।